सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, आज है 17th of September, यानी कि अपना day 9। एंड बीते 8 दिनों में मैंने क्या क्या कंप्लीट करा, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का प्यारा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, आपने हिस्ट्री में लोधी वंश के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिनका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक था, यानी कि 1451 से लेकर 1526 तक था। सो लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? आपके पास 3 ऑप्शन है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 8 दिनों में मैंने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए हैं, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको, अगर मैं अपन मैथ की बात करें तो देखो, मैथ में परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें मेरा परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर, इसमें प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया, नाउन अभी कर रहा हूँ, मतलब याद, मतलब लर्न कर रहा हूँ। उसके बाद अगर अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन डन हो गया है अपना। उसके बाद कैलेंडर भी कंप्लीट हो गया एंड थर्ड फिगर काउंटिंग, ये भी चल रहा है। नेक्स्ट स्टैटिक जीके, इसमें आपको घराना चैप्टर कंप्लीट है, क्लासिकल डांस लर्न कर लिया है, बुक टॉपिक ये भी लर्न हो गया है, और अभी जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो है फेस्टिवल। सो अभी फेस्टिवल मतलब इन प्रोग्रेस है। उसके बाद अपन बात करते हैं हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टॉपिक करा है, वो मतलब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद वॉकअप की अगर अपन बात करें तो वन वर्ड, सिनोनिम्स और ईडियम्स, ये तीनों मतलब 120 तक लर्न हो गए हैं ब्लैक बुक से। उसके बाद अपन बात करते हैं ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी में ट्राइब्स कंप्लीट हो गया है एंड रॉक टॉपिक, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। एंड सबसे लास्ट में सिविक्स, इसमें अपना 2 टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। सो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान, एंड दूसरा है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अनुसूची है ना 12, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये 2 टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो गया है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल था 16th of September, यानी कि अपना day 8। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कल था आपको ओजोन डे। सो आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि इस बार ओजोन डे की थीम क्या थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कल अपना day 8 था, सो कल जो मैंने टॉपिक कवर करे एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले GS में स्टैटिक का फेस्टिवल मैंने कल लर्न करा, उसके अलावा सिविक्स में कल मैंने एक नया टॉपिक लर्न करा, एक नया चैप्टर, उसका नाम है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो अनुसूची है टोटल 12 है, उसको लर्न कर लिया मैंने। देन फिर इंग्लिश में वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों 105 से लेकर 120 तक मैंने लर्न करा। उसके बाद रीजनिंग में कल फिगर काउंटिंग का day 2 था, सो मैंने वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर अपन बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में कल मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा नाउन, जिसका day 1 था। सो नाउन अपने को टोटल 3 दिन लर्न करने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में मैथ, तो देखो मैथ में मैंने आपको 15 को ही बताया था कि 15 को मैंने मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का day 2 था। सो गाइज, आज है 17th of September, यानी कि day 9, सेन आज अपना है रिविजन डे। तो पिछले 8 दिनों में जो जो मैंने पढ़ा है उसको मैं आज रिवाइज़ करूँगा। सो क्या क्या मुझे आज रिवाइज़ करना है एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले GS में स्टैटिक के मुझे 2 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें से फर्स्ट है घराना एंड सेकेंड है क्लासिकल डांसेस। सो मुझे आज ये दोनों लर्न करना है। उसके बाद रीजनिंग में ब्लड रिलेशन एंड कैलेंडर, ये दोनों रिवाइज़ करना है 2 टॉपिक। उसके बाद ग्रामर में प्रोनाउन आज लर्न करना है, मतलब रिवाइज़ करना है। एंड मैथ में परसेंटेज आज रिवाइज़ करना है। उसके बाद ज्योग्राफी में ट्राइब चैप्टर, ये सारा मुझे आज रिवाइज़ करना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं GS के टॉपिक से, यानी कि घराना से। उसके बाद फिर क्लासिकल डांस लर्न करेंगे। सो सबसे पहले मैं घराना चैप्टर याद कर लेता हूँ। सो जैसा कि आपको मैंने बताया था इससे पहले, जो कुछ दिन पहले जब मैंने घराना चैप्टर याद किया था, तो आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कथक घराना हो गया, उसके बाद लखनऊ घराना हो गया, आगरा घराना हो गया, पंजाब घराना हो गया, और इससे एक क्वेश्चन भी आया था कुछ टाइम पहले, सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ग्वालियर घराना। उसके बाद पटियाला घराना, मेहर घराना और भी कई सारे घराना है, जो इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एंड इसके अलावा एक टॉपिक और है क्लासिकल डांसेस, जैसे त्रिपुरा में कौन कौन सा डांस होता है, या फिर पाई का डांस आपने सुना होगा। चलो आप लोग इसका आंसर कमेंट करना, पाई का डांस जो है वो किस स्टेट में किया जाता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है अपना कंप्लीट। सो इसे मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है ग्रामर का प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे पहले मैंने इसे लर्न करा था, सो मुझे आज इसे रिवाइज़ करना है। सो ऐसे मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लेता हूँ।
सो बेसिकली आज के चैप्टर में मुझे प्रोनाउन के बारे में एंड इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी एरर के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एरर्स के जो रूल्स होते हैं, सो मुझे आज वो लर्न करना है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आपसे मैं आपसे क्वेश्चन एक शेयर कर रहा हूँ, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन ही, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन ही। तो यहाँ पे देखो ऑन तो हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा। तो ऐसे ही कई सारे रूल्स हैं जिसमें से कुछ सिंपल हैं, कुछ थोड़े मतलब अच्छे लेवल के रूल्स हैं, सो मुझे लर्न करना है, मतलब रिवाइज करना है। अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। ही इज़ टॉलर देन आई या फिर मी, ही इज़ टॉलर देन, यहाँ पे आई आएगा या फिर मी आएगा, सो आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट करना। सो गाइज फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट, इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वह है ज्योग्राफी का ट्राइब्स। ट्राइब्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसे मैं जल्दी से लर्न कर लेता हूँ। इस टॉपिक में ये है कि बेसिकली हम डिफरेंट कंट्री के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट कंट्री में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं। सो ये टॉपिक मेरा हो गया है कंप्लीट एंड यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा टॉपिक है आज का। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है देखो रीजनिंग। रीजनिंग में आज मुझे दो टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला है आपको ब्लड रिलेशन, देन कैलेंडर। सो मैं कैलेंडर रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मुझे ब्लड रिलेशन कम्प्लीट करना है। सो बेसिकली मुझे इस चैप्टर में इसके जितने भी रूल्स हैं वो समझने हैं। कुछ चीज़ें इसमें याद करने वाली भी होती है कैलेंडर में, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कुछ चीज़ें इसमें याद करने वाली होती हैं। सो मैं जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेता हूँ एंड इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। सो फटाफट मुझे एक बार मतलब गिन के 7-8 क्वेश्चन होंगे, बस उसे एक बार देखना है। एंड इसका मैंने मॉक भी लगाया था और इसे अच्छे से रिवाइज भी किया था, सो ऐसे मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोग जो मॉक दे रहे हो कैसे दे रहे हो, मतलब फुल मॉक या फिर सेक्शनल मॉक। सो फाइनली आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है मैथ का परसेंटेज। देखो परसेंटेज में टोटल 59 क्वेश्चन है, सो ये मुझे आज नहीं लगाने हैं। आज मुझे मैथ का मॉक टेस्ट देना है, सो मैं मॉक के नंबर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। सो गाइज वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो मुझे वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार आप लोगों ने अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे 11 के साथ। सो तब तक के लिए बाय।